गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसके बारे में समझाया था। आज आपको पढ़ाऊंगा ए डिफरेंस बी। इसको ए और ये बी, नाम से ही क्लियर है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। बट नॉट इन बी, अगर कभी भी ये लिखा हो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, कभी ऐसा लिखा हो, तो डेफिनेशन क्या कहती है? एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एक्स, बी का एलिमेंट नहीं होगा। इस चीज को अगर मैं वेन डायग्राम से शो करने लगूं, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ये हमारे पास सेट ए है। और ये सेट बी है। ए माइनस बी इस सेटेड पोर्शन को हम कहते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी यह वेन डायग्राम से दिखाने का तरीका है। इसके बाद आता है ए डैश यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है,
ये सेट ए है। इस यूनिवर्सल सेट में से आप इस सर्किल को कट करके बाहर निकाल दीजिए। इस सेटेड पोर्शन को आप कहोगे ए डैश। यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को निकाल दिया। अगर मैं उल्टा करूं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश कर दूं, तो फिर से सेट ए आ जाएगा। ए यूनियन ए डैश अगेन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश। कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमेंट यहां है तो यहां नहीं हो सकता। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, नल सेट। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अब हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट x belongs to a minus b ये हमने एज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जिस सेट का आपने एलिमेंट लिया है आप उस सेट के बारे में सब कुछ जानते हो। दिस इंप्लाइज, मैंने अभी आपको पहले भी लिख करके बताया है, x belongs to A x does not belongs to B। ठीक, this implies x belongs to A। ये ऐसे रहने दीजिए। अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो 100% होगा कि x बिलोंग्स टू b डैश, b डैश का एलिमेंट होगा। अब देखिए, x a का भी एलिमेंट है और b डैश का भी एलिमेंट है, तो x दोनों का कॉमन एलिमेंट है। अगर कॉमन एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। आप इसको फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट इसको मत लिखिए, फर्स्ट आप ऐसे लिख दीजिए। आपने कहा X इस सेट का एलिमेंट था, आपने लॉजिक के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि X इसका एलिमेंट भी है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। देयरफोर
ए माइनस बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश. ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश. जिस सेट को आप लेकर के चले और आपने प्रूव कर दिया कि वो दूसरे सेट का भी एलिमेंट है, तो आपका वाला जो सेट था जिसका एलिमेंट आप लेकर चले थे, वो हमेशा उसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा. ये सबसेट इक्वली सबसेट. अब आप लिखिए लेट, ये हर क्वेश्चन की टेक्निक है. वाई इज द एलिमेंट ऑफ, इस बार दूसरे वाले सेट का जिसको इक्वल प्रूफ करना है, इसका एलिमेंट लेकर के चलिए. आप इसका एलिमेंट लेकर चलिए. वाई इज द एलिमेंट ऑफ दिस, दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए. जब इंटरसेक्शन वर्ड आ जाए एंड, इंटरसेक्शन वर्ड की जगह आपको एंड लिखना है. एंड वाई बिलोंग्स टू बी डैश, क्योंकि जब इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो दोनों का एलिमेंट होगा. वाई बिलोंग्स टू, वाई डज नॉट बिलोंग टू बी. अगर वाई बी डैश का एलिमेंट है तो बी का एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता. अब बताइए, बिल्कुल इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी. अब आप इस सेट का एलिमेंट लेकर के चले थे, आपने प्रूव कर दिया ये ए माइनस बी का भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेट इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया. ए इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए माइनस बी. ये इक्वेशन नंबर टू हो गई. ठीक, इक्वेशन एक तरीके से आपने पढ़ रखा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए. देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश. ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों क्या हो गए बताइए? इक्वल हो गए दोनों. यही हमें प्रूफ करना था. तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है, आप कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो. पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में जो भी प्रॉब्लम दे रखी हैं, जिस किताब में भी आप कर रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम को ड्राइव करने की कोशिश करिए, खुद से ड्राइव करिए. अब इसका मैं आपको सेकेंड मेथड समझाता हूं. यह तो लॉजिक से हो गया, यह कहलाता है लॉजिक, इस तरह से एलिमेंट लेकर के. अब देखिए वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे. वेन डायग्राम, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाइए. ए माइनस बी, ये तो एक तरीके की ड्राइंग पेंटिंग है. अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें.
ए माइनस बी, ये हमने शो किया। इसलिए एक और फिगर बनाते हैं, वो राइट हैंड साइड के लिए बनानी होगी आपको फिगर। वेन डायग्राम में हमेशा यही तरीका है, एक फिगर लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाइए और एक फिगर राइट हैंड साइड के लिए बनाइए। अब आप ये बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डैश? फर्स्ट ऑफ ऑल बी डैश को बनाइए, बी डैश सेट बी को निकाल दीजिए, सेट बी को निकाल दिया, ये मेरे पास बी डैश बन गया। ठीक, मुझे क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी डैश का कॉमन पार्ट, ए और बी डैश का ये कॉमन पार्ट हो गया। जो डबल सेडेड पोर्शन होता है वो कॉमन पार्ट होता है, ए और बी डैश का कॉमन पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप जरा दोनों फिगर को बड़े ध्यान से देखिए, जो पोर्शन इसमें आ रहा है वही पोर्शन इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीज क्या है? इक्वल है। देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रॉब्लम के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।